आराधना प्लस न्यूज पर हिमाचल प्रदेश की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कर्मचारियों ने छठे पंजाब वेतन आयोग से जताई नाराजगी। पंजाब हिमाचल सचिवालय के कर्मचारी करेंगे विरोध। मुख्यमंत्री पे स्केल लागू करने पर करेंगे विचार। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए बनाया नया फॉर्मूला। अंग्रेजी और फर्स्ट सेकेंड टर्म परीक्षा से जुड़ेंगे अंक। प्रदेश की राजधानी शिमला में होटलों में वीकेंड पर सैलानियों का उमड़ा सैलाब। अगले हफ्ते के वीकेंड के लिए 50% होटल बुक। एंट्री प्वाइंट को चेन लगाकर करना पड़ा बंद। बैंक ने बहाली को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन। देश के 43 सरकारी बैंकों में 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। चलिए खबरों की शुरुआत शिमला से करेंगे, जहां छठे वेतन आयोग पर पंजाब वेतन आयोग पर अब सरकार विचार विमर्श कर रही है। आपको बता दें कि छठे पंजाब वेतन आयोग पर हिमाचल सचिवालय कर्मचारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वेतन आयोग कर्मचारियों के हितैषी नहीं है। हिमाचल भी पे स्केल लागू करता है। वहीं राज्य सचिवालय सेवाएं कर्मचारी एसोसिएशन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों को 250 से 4000 तक का नुकसान झेलना होगा, इसलिए सचिवालय पे की जगह सचिवालय भत्ते का प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर पंजाब सचिवालय के कर्मचारी भी विरोध कर सकते हैं। वहीं हिमाचल भी उनके विरोध को समर्थन दे सकता है। इस पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल भी पंजाब पे कमीशन को फॉलो करता है और पंजाब इस छठे वेतन पे को 1 जुलाई से शुरू कर रहा है, जिसको लेकर हिमाचल सरकार भी विचार विमर्श कर सकती है। कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम हमेशा पंजाब पे कमीशन को ही फॉलो करते रहे हैं। उस दृष्टि से उन्होंने 1 जुलाई से वो निर्णय किया है लागू करने का, और स्वाभाविक रूप से उस दिशा में हम भी अब विचार करेंगे क्या क्या कब कब से उसमें शुरू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, उस दृष्टि से विचार करेंगे। सर, ये भी मांग उठती है कि केंद्र का जो पे कमीशन है उसको ही लागू किया जाना चाहिए। नहीं देखिए, इस पर अभी तक बहुत जल्दी हम नहीं, क्योंकि हम एक बहुत लंबे समय से एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं। उससे हटकर अगर विचार करना होगा तो उसके लिए बहुत जल्दबाजी नहीं, उसके लिए विचार आराम से करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक साथ 50,000 से ज्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। आपको बता दें कि इस दौरान सूर्य नमस्कार के साथ साथ कई और आसन भी किए गए। वहीं मुख्य कार्यक्रम शिमला में राज्य अतिथि गृह पीटर हॉफ में वर्चुअली आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही कोरोना महामारी के चलते पीटर हॉफ में ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। जिला स्तर पर भी योग करने के लिए लोग वर्चुअली ही जुड़े। इसी कड़ी में आयुष विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तनाव और व्यस्त जीवन शैली के चलते हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके निवारण के लिए योग और आयुर्वेद वरदान साबित हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 50,000 से ज्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार किया। आपको बता दें कि इस दौरान कई लोगों ने सूर्य नमस्कार के साथ साथ और भी कई आसन किए। वहीं इस कोरोना काल में जहां योग और प्राणायाम लोगों के लिए लाभदायी साबित हो रहा है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कई लोगों ने योगासन किया, प्राणायाम किया, जिसके चलते वो अपनी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बीमारियों से ग्रस्त होने से बच सकते हैं। बता दें कि योगा का जिंदगी में काफी अहम महत्व माना जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा के परिणाम के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। 5 बिंदुओं पर आधारित सीबीएसई के फॉर्मूले में बोर्ड ने 3 नए बिंदु भी शामिल किए हैं। अप्रैल में हुई अंग्रेजी की परीक्षा सहित फर्स्ट और सेकेंड टर्म की परीक्षाओं के अंक भी फाइनल रिजल्ट में अब शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा सीबीएसई की ओर से तय इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क
और 10वीं और SA1 कक्षा के परफॉर्मेंस सहित 12वीं के प्री बोर्ड अंकों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव ने मनाली जाकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर से इस प्रस्ताव को साझा किया है। अगले सप्ताह ये अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। साथ ही 10वीं कक्षा का परिणाम पहले ही जारी किया जाएगा, इसके बाद 12वीं कक्षा का परिणाम निकाला जाएगा। तो 12वीं का रिजल्ट बनाने के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए नया फॉर्मूला निकाला है, जिसके चलते 5 बिंदुओं पर आधारित CBSE के फॉर्मूले में अब बोर्ड ने 3 नए बिंदु भी शामिल किए हैं। बता दें कि अप्रैल में हुई अंग्रेजी की परीक्षा सहित फर्स्ट और सेकेंड टर्म की परीक्षाओं के अंक भी अब फाइनल रिजल्ट में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा CBSE की ओर से तय इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल वर्क और 10th और SA1 की क्लासेस के परफॉर्मेंस सहित 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड के अंक भी इसमें शामिल किए जाएंगे। और देश के 43 सरकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस दौरान 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं अभ्यर्थी को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की IRB भर्ती परीक्षा के जरिए ये पद भरे जाएंगे। साथ ही IBPS ने इस बैंक वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। इसके लिए आवेदन भी शुरू किए जा चुके हैं। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्थिर रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के पद पर ये भर्तियां की जाएंगी। तो बता दें कि अब देश के 43 सरकारी बैंकों में आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। यह भर्ती प्रक्रिया 10,000 से ज्यादा पदों के लिए की गई है। वहीं अभ्यर्थी इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के पदों पर यह भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी अब लेने शुरू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की IRB भर्ती परीक्षा के लिए ये पद भरे जाएंगे। आपको बता दें कि 10,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां देश के 43 सरकारी बैंकों में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके साथ ही IBPS ने इस बैंक वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। आवेदन भी शुरू किए जा चुके हैं। देश के कई अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में रीजनल रूरल बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है IBPS की तरफ से। वहीं अब सरकारी बैंकों में लोग भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन दे सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने 222 रूटों पर बस सेवा बंद कर दी है। आपको बता दें कि सवारियां नहीं मिलने की वजह से यह फैसला लिया गया है। वहीं इसमें लोकल 195 और 27 लॉन्ग रूट्स भी शामिल हैं। रविवार को परिवहन निगम कम रूटों पर बसें भेजेगा। बीते शुक्रवार की बात अगर की जाए तो निगम ने 1,639 रूट्स पर बस चलाई थी। परिवहन निगम का मानना है कि शनिवार और रविवार में बाजार बंद रहते हैं, ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहते हैं, जिसके चलते सवारियां नहीं मिलती। हालांकि परिवहन निगम ने यह दावा किया है कि शनिवार को बसों में 40% ऑक्यूपेंसी रही है। वहीं परिवहन निगम इस समय 1,000 के करीब बसें रूटों पर चला रहा है। तो पथ परिवहन निगम ने 222 रूटों पर बस अब बंद कर दी है। आपको बता दें कि इस दौरान सवारियां नहीं मिलने की वजह से यह फैसला लिया गया है। पिछले काफी लंबे समय से लॉकडाउन जारी था, जिसके चलते आवागमन कहीं न कहीं बाधित रहा था। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लॉकडाउन के दौरान आंकड़ों को गिरता देख एक बार फिर से राज्य सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, जहां आवागमन भी सुचारू किया गया है। इसी को देखते हुए परिवहन निगम ने अलग अलग रूटों पर बस चलाने का फैसला लिया था, जहां अब सवारियां नहीं मिलने की वजह से पथ परिवहन निगम ने 222 रूट पर बसें चलाना, बस सेवा देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह दी है कि सवारी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इसमें 195 लोकल वहीं 27 लॉन्ग रूट्स भी शामिल हैं।
हालांकि रविवार को परिवहन निगम कम रूटों पर बसें भेजेगा, क्योंकि परिवहन निगम की तरफ से यह कहना है कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहते हैं, ऐसे में ज्यादातर लोग अपने घरों में ही रहते हैं, आवागमन कम होता है, जिसके चलते सवारियां नहीं मिलती हैं। तो इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है कि कम रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि शुक्रवार की अगर बात की जाए तो निगम ने 1639 रूट्स पर बसें चलाई थी। परिवहन निगम का इस दौरान मानना है कि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहते हैं, ऐसे में लोग ज्यादा घूमने के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, ज्यादातर लोग अपने घरों में रहते हैं, जिसके चलते सवारियां नहीं मिलती, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है पथ परिवहन निगम की तरफ से कि 222 रूटों पर बस सेवा बंद कर दी जाएगी। हालांकि परिवहन निगम ने यह दावा किया है कि शनिवार को बसों में 40% ऑक्यूपेंसी रही है, वहीं परिवहन निगम इस समय 1000 के करीब बसें रूट्स पर चला रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां शिमला में एक बार फिर से सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हां, पिछले लंबे समय से लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे, वहीं अब प्रदेश की राजधानी शिमला के होटलों में वीकेंड पर सैलानियों का सैलाब एक बार फिर से उमड़ आया है। आपको बता दें कि शहर के होटलों में शनिवार को ऑक्यूपेंसी 70 से 90% तक पहुंच गई, वहीं कुछ होटल तो 100% तक पैक थे। आपको बता दें कि अगले हफ्ते के वीकेंड के लिए भी अभी से ही कुछ होटलों में 50% तक बुकिंग हो चुकी है। वहीं शनिवार की शहर की सबसे बड़ी लिफ्ट कार पार्किंग दोपहर 2:30 बजे तक पैक हो गई, जिसके बाद संचालकों को एंट्री प्वाइंट चेन लगाकर बंद करना पड़ा। साथ ही रिज मैदान, मॉल रोड पर सैलानियों की खूब चहल पहल भी देखने को मिली। शिमला के अलावा सैलानियों ने मशोबरा, नालदेहरा, कुफरी और नारकंडा का भी रुख किया। तो इस दौरान शिमला में सैलानियों का बड़ा सैलाब उमड़ पड़ा है। पिछले काफी लंबे समय से लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद थे, जहां एक बार फिर से लॉकडाउन में छूट दी गई, जिसके बाद सैलानियों ने अब शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। इस दौरान होटल्स में भी ऑक्यूपेंसी 70 से 90% तक दर्ज की गई, वहीं कुछ होटल्स इस दौरान 100% पैक रहे। और प्रदेश में जुलाई से शुरू होने जा रही परीक्षाओं को देखते हुए अब जिन स्टूडेंट्स को खांसी, बुखार या जुकाम के लक्षण दिखेंगे, उनको अलग कमरे में बिठाकर उनकी परीक्षाएं ली जाएंगी। आपको बता दें कि प्रदेश में जुलाई से कॉलेज परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसके चलते जिन भी विद्यार्थी में बुखार, खांसी, जुकाम जैसे लक्षण पाए जाएंगे, उनको अलग कमरों में बिठाकर ये परीक्षाएं ली जाएंगी। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हर परीक्षा केंद्र में वायरल पीड़ित विद्यार्थियों को बिठाने के लिए 2-2 कमरों को रिजर्व रखने के लिए भी निर्देश दिए गए। अगले सप्ताह के आखिरी साल की परीक्षाओं के लिए कॉलेजों में सिटिंग प्लान बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज प्रिंसिपल्स को परीक्षाओं के आयोजन के लिए सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं के दौरान कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट्स और टीचर्स और गेट शिक्षकों को तापमान जांचने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही वैक्सीन लगा चुके शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा केंद्रों में लगाई जाएगी। और कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें कम होते ही सैलानी एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश का रुख करने लगे हैं। आपको बता दें कि काफी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां वीकेंड होने के चलते राज्य में पर्यटक संख्या बढ़ने से होटल्स में 100% तक ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी शिमला, कसौली, शायल, बरोट में होटल पैक हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई होटलों में अगले वीकेंड के लिए भी पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग तक करवा रखी है। वहीं अब जब मंदिर खुलेंगे तो बाहरी राज्यों के श्रद्धालु भी प्रदेश में आएंगे, इससे पर्यटन को और पंख लग सकते हैं। बता दें कि इस दौरान मॉल रोड पर भी पर्यटकों का भारी हुजूम देखने को मिला, ज्यादातर होटल और पार्किंग इस दौरान फुल नजर आए।
तो वीकेंड पर पर्यटन को पंख लग गए, जहां कसौली चायल बरोट के होटल्स पूरे पैक नजर आए हैं। कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें कम होते ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों ने रुक करना अब शुरू कर दिया है। काफी लंबे समय से लॉकडाउन की अवधि में बढ़ोतरी दर्ज कराई जा रही थी, वहीं अब एक बार फिर से पर्यटक प्रदेश पहुंचने लगे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।